सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको उसका उपयोग करना होगा। संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है, जबकि सफलता मिलने पर दुनिया उसके साथ होती है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा परखने का नहीं। आज का पंचांग 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:48 से 5:26 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। धनुराशि 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, आपको कुछ घटनाओं के तह तक जाना पड़ेगा। वर्तमान के कुछ घटनाओं के लिए वही कारण जिम्मेदार हैं जिससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है। आपको काफी आरक्षित और सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर सकते हैं। समय लाभकारी है, अपने सपने और कल्पनाओं को पंख दें तथा अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। किसी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक उत्सव में भी जाने का प्रोग्राम बनेगा। रुका हुआ पैसा निकलवाने के लिए भी समय अनुकूल है। पैसों से संबंधित समस्याएं सुलझने लगेगी, फिर भी आपको पैसा खर्च करते समय सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपकी आवक हो रही है उसी प्रकार से जीवन शैली में बदलाव लाने के कारण आपके खर्चे भी अधिक हो सकती हैं। कम उम्र में ज्यादा पैसा कमाने का मार्ग प्राप्त होने की वजह से आपके काम से संबंधित वसूलों को आप बदल कर किसी गलत मार्ग का चुनाव करने की आशंका बन रही है, सतर्कता रखें। पार्टनर के कारण आपके अंदर की इनसिक्योरिटी कम होने लगेगी। बीपी से संबंधित समस्या को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आने से मूड कुछ खराब रहेगा, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को संभालें। अनावश्यक यात्रा को स्थगित ही रखें क्योंकि इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। बच्चों की कोई नकारात्मक गतिविधि पता चलने से चिंता रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर भी होगी। अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इनमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के साथ प्रकट करें जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की अपेक्षा करता है। जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुरित होगी। अपने साथी को अपने प्यार की गहराइयों से अवगत कराइए। बात करते हैं करियर की, अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहकर्मियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। कामकाज में बहुत ही व्यस्तता रहेगी। युवा वर्ग को नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की, जिन मानसिक चिंताओं और कई तरह के दबावों के कारण आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं, उनसे राहत पाने के लिए आध्यात्मिक उपाय और तरीकों का सहारा लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ तक कि जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। किसी फिटनेस कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करवा लें और आप पाएंगे कि फायदेमंद होने के साथ साथ
कुछ अभ्यास कर लेना मुश्किल नहीं है। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।